बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में ADEO सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पदों पर जो है बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आ रहा है, और इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि ADEO की कितने पोस्ट जो है निकलने वाला है। साथ ही बात करेंगे ADEO के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा कितना है, ADEO में जो है कितना वेतन आपको दिया जाएगा, चयन प्रक्रिया ADEO का किस तरह से होता है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है ADEO भर्ती परीक्षा का। साथ ही आप लोगों को बताऊँगा कि आप जो है किस तरह से छत्तीसगढ़ में ADEO अधिकारी जो है बन सकते हैं, और आपको ADEO सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, और आपको जो है कौन कौन से बुक जो है पढ़ने चाहिए, और आपको इसके लिए आवेदन कब करना है, और आवेदन करने के लास्ट डेट जो है क्या है, सभी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग होता है या फिर नहीं होता, निगेटिव मार्किंग होता है तो कितना होता है। जैसे CG व्यापम में, हॉस्टल वार्डन में और पटवारी में 1/4 होता है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स जो है कट जाता है। तो सेम क्या वही निगेटिव मार्किंग ADEO में होगा या फिर उससे कम होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा, और आपको जो है कौन कौन से बुक जो है परचेस करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। और इसमें आप लोगों को बता दूँ कि मैथ्स से और इंग्लिश से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते और रीजनिंग से भी नहीं आता, तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। तो तैयारी करना बिल्कुल स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जिससे आप जो है ADEO अधिकारी जो है बन सकते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि CG व्यापम में सबसे बड़ा पोस्ट की बात करें तो आपका जो है ADEO का नाम फर्स्ट नंबर पर आता है, सहायक विकास अधिकारी, इसके बाद जो है RI राजस्व निरीक्षक का आता है, देन उसके बाद हॉस्टल वार्डन पटवारी। तो ADEO जो है अधिकारी लेवल का पोस्ट है, तो आप लोगों को कम्प्लीटली पूरा जानकारी बताऊंगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। ADEO के सिलेबस की बात करें तो ADEO भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। और इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि निगेटिव मार्किंग होगा या फिर नहीं होगा, तो इसमें निगेटिव मार्किंग होगा 0.25 का, और परीक्षा के लिए आपको समय जो है 3 घंटे का समय आपको जो है दिया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट से टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा, तो सामान्य ज्ञान से 30, अंकों का 30 प्रश्न आएगा, आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी से 30 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी से 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा, पंचायती राज से आएगा, और ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी से 30 अंकों का 30 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो कुल इस तरह से 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान में आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक, ये सभी आएगा। और इसी सामान्य ज्ञान में आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय आएगा, भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ का इतिहास, संस्कृति, प्राचीन इतिहास और इंडिया हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री और इंडिया की संस्कृति और भारत की संस्कृति यानी कि और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल जो दर्शनीय स्थल होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, संगीत एवं नृत्य से छत्तीसगढ़ की जनजातियां बोली उससे आएगा, आजीविका की बात करें तो आजीविका में आपका भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, जो हरित क्रांति श्वेत क्रांति होते हैं, कृषि का मशीनीकरण, वो आजीविका में आएगा आपका, और आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध जैसे बाज़ार हो गया जो हमारे दैनिक डेली उपयोग में होता है वो आएगा, फिर पंचायती राज में आपका पंचायती राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम सभा, ये इनसे आएगा, फिर ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप में जो योजनाएं होती हैं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, तो इन सभी टॉपिक से एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, बीमा उमा, इन सभी से हिंदी में हिंदी का पूरा व्याकरण जिसमें आपका स्वर व्यंजन वर्तनी संज्ञा समास लोकोक्तियां मुहावरे आदि जो है पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको किस तरह से तैयारी जो है करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बुक लिस्ट के बारे में। तो ग्राम पंचायतों के सरपंच उप सरपंच हेतु आपको जो पठन सामग्री आता है वो आपको लेना है, सामान्य हिंदी के लिए आपको जो है सुशील त्रिवेदी का जो ग्रंथ अकेडमी आता है वो आपको जो लेना है, जिससे आपके छत्तीसगढ़ पंचायती राज और नगर पालिका के बारे में आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी जो है मिल जाएगा। हिंदी की बात करें जरा सामान्य हिंदी के लिए, तो इसके लिए आपको डिलेस एकेडमी का बुक लेना है, सामान्य ज्ञान के लिए आपको जो है टूटेजर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है, और वहीं बात करें संविधान के लिए तो संविधान के लिए सबसे बेस्ट बुक है M. लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था लेना है, जिसमें आपके संविधान की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। वहीं आप बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है, उसके बाद विकास परक का मासिक पत्रिका,
और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज होता है वो आपको लेना है। और इसके साथ ही आप लोगों को बताना चाहता हूँ इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण मैंने आपको बता दिया, ये आपको लेना है। फिर आपको जो होता है छत्तीसगढ़ की सभी जानकारी के लिए आपको कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है। सामान्य ज्ञान के लिए टूटेजर ट्यूटोरियल्स का और इंडियन हिस्ट्री के लिए भी टूटेजर ट्यूटोरियल्स का आपको लेना है। तो इस तरह से आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। और कटअप की बात करें तो एडीओ का कटअप जो है कितना जाएगा तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले बार जो है पाँच साल पहले 2017 में जो है एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद से अभी तक छत्तीसगढ़ में एडीओ का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो 5 साल बाद जो है एडीओ का भर्ती जो है निकलने वाला है, तो स्वाभाविक से कटअप जो है थोड़ा हाई जाएगा। तो कटअप के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है जिससे आपका सिलेक्शन जो है हो जाए। आपका कॉम्पिटिशन किसी और से नहीं बल्कि खुद से होना चाहिए, ये आप सोचेंगे तो आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई ज़रूर कर पाएंगे। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए वीडियोस जो है बनाता हूँ, खुद के लिए तो वीडियो बनाता नहीं, आप ही लोगों को जानकारी मैं प्रोवाइड कराता हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट आप लोगों को करना चाहिए। जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कोई भी आप लोगों का कोई भी छोटा डाउट हो, बड़ा डाउट हो, कोई भी डाउट्स हो आपके मन में, कोई भी डाउट चल रहा है तो अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। आप लोगों को बुक लिस्ट के बारे में पता नहीं होगा कि कहाँ से बुक खरीद सकते हैं, कितने प्राइस का होता है बुक, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो प्लीज़ अपना डाउट जो है ज़रूर क्लियर कीजिए ताकि मैं आप लोगों की बहुत अच्छे से हेल्प कर सकूँ। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करेंगे तो इंस्टाग्राम पर भी मैं आप लोगों को रिप्लाई दूँगा। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए, शेयर कीजिए वीडियो को। और एडीओ भर्ती के बारे में आप लोगों को हम डेली जानकारी बता दिया, इसी तरह से छत्तीसगढ़ में मैं आप लोगों को डेली जॉब वैकेंसीज़ के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में, कंप्यूटर के बारे में सभी डिटेल्स देता हूँ। लेकिन आप लोग जो है कंप्यूटर के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है कंप्यूटर के वीडियो जो है नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इतने मेहनत से एक वीडियो बनाता हूँ लेकिन उस पर कोई भी अच्छे से रिस्पॉन्स जो है देखने को नहीं मिलता। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आप ये सोचिए ना, आप लोग ही मेहनत करते हैं और यदि आप लोगों की मेहनत को कोई अप्रिशिएट नहीं करता तो आप लोगों को कैसा लगेगा। तो प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, सहयोग कीजिए ताकि मैं आप लोगों को भी सहयोग जो है कर सकूँ, अच्छे से सहयोग जो है कर सकूँ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में जो भी चीज़ बोलना चाहते हो आप कमेंट कर सकते हो, आप लोगों का हक बनता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार जो है जितना हो सके अपना प्यार जो है ज़रूर दिखाइए वीडियो में, शेयर कीजिए। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।